तो हज़रत, ये कुछ लोग हुब्बुल वतन मिनल ईमान को हदीस से साबित करते हैं कि हदीस पाक के अल्फाज हैं, इससे वतन की मोहब्बत साबित होती है, इसके बारे में हदीस के बारे में तो इस सिलसिले में मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन अल्लामा हरपूती वगैरह ने जो है हुब्बुल वतन मिनल ईमान की तावील यह की है कि वतन से मुराद जो है मोमिन का असल मोतिन जन्नत है कि जहाँ उसको हमेशा रहना है, उसकी मोहब्बत जो है यह ईमान से है। तो इस माना पर ये माना जो है वो सही है। अब खते नज़र के ये रिवायत वारिद हुई या नहीं हुई, अगर ये माना है तो माना ठीक है, अच्छा है। हरमैन तैयबैन की मोहब्बत भी इसी जुमरे में आएगी, क्या कह रहे हैं? मोहब्बत भी इसी जुमरे में आएगी, हाँ बेशक जी, वो भी ईमान। इसमें आला हज़रत ने इसका रद्द फरमाया कि हदीस के अल्फाज नहीं है, ठीक है, तो मैंने भी तो कह दिया। यानी बाज़ उलमा ने ये बात कही तो उसका ये हदीस तो नहीं है, बाज़ उलमा का अगर कौल है तो उसका माना ये है कि वतन नबी को से मोहब्बत करना ईमान में दाखिल है। हुब्बुल वतन यानी वो वतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।